बाबा कार्तिक उरांव का जन्म 29 अक्टूबर 1924 ईस्वी में भारत के झारखंड राज्य के गुमला जिले के कोरोना लीटा टोली नामक गांव में हुआ था। वह कुडुख समुदाय से ताल्लुक रखते थे। उनके पिता का नाम जयरा उरांव और माता का नाम बिरसी उरांव था। कार्तिक उरांव अपने माता पिता के चौथे संतान थे। कार्तिक उरांव ने 1942 में गुमला से हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने साइंस कॉलेज पटना से इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की और बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पटना से इंजीनियरिंग में स्नातक की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद उन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखी और ग्रेट ब्रिटेन के संस्थानों से कई योग्यताएं हासिल की। इसलिए कार्तिक बाबा को अब तक आदिवासी समुदाय से सबसे शिक्षित व्यक्तियों में से एक माना जाता है। कार्तिक को 9 साल तक विदेश में रहने के बाद 1961 के मई महीने वे कुशल इंजीनियर के रूप में अपना स्वदेश लौटा। भारत लौटते ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कार्तिक उरांव की प्रतिभा की सराहना किया और HEC रांची में निर्माण डिजाइन अधीक्षक के पद पर नियुक्ति किया गया। फिर उन्हें उप मुख्य अभिनेता डिजाइनर के पद पर सौंपा गया। 1959 में कार्तिक उरांव ने दुनिया के सामने बड़े ऑटोमेटिक पावर स्टेशन डिजाइन ब्रिटिश सरकार को सौंपा था, जो आज हिंकले न्यूक्लियर पावर प्लांट के रूप में मौजूद है। लेकिन उस समय छोटा नागपुर के जनजातियों की स्थिति को देखते हुए कार्तिक उरांव ने समाज के लिए काम करने का फैसला किया और 1962 में उन्होंने HEC का काम छोड़कर राजनीति में प्रवेश किया। 1968 में जब भूदान आंदोलन चल रहा था, तभी जनजाति के जमीन को 1 पैसे में बेची जा रही थी। उसी समय कार्तिक उरांव ने इंदिरा गांधी से जनजाति जमीन को लूटने और भूमिहीन होने से बचाने की अपील किया था और कार्तिक उरांव की कोशिश कामयाब रही थी। फिर गांधी ने भूमि वापसी अधिनियम बनाकर जनजातियों की खोई हुई भूमि को पुनः प्राप्त करने की व्यवस्था बनाई। कार्तिक उरांव ने रांची में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय और जनजाति योजना भी कार्तिक उरांव ने बनाई थी और इसी योजना के आधार पर केंद्र और राज्य सरकारें जनजातियों के लिए योजना को कार्य में लाती है। वह 1947 के भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का भी हिस्सा रह चुके थे। उन्होंने आदिवासियों के लिए अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद जैसे संगठन की स्थापना किया। इन्हीं उपलब्धियों के कारण उन्हें छोटा नागपुर का काला हीरा और आदिवासियों के मसीहा की उपाधि दी गई। ऐसे महापुरुष आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके किए कार्यों से पूरा आदिवासी समाज फख्र महसूस करता है। बाबा कार्तिक उरांव का निधन 8 दिसंबर 1981 में संसद भवन के गलियारे में फर्श पर गिरने के कारण बेहोश हो गए थे। उन्हें उसी हालत में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले जाया गया। इसके बाद उनकी हृदय गति रुकने से मृत्यु हो गई। तो ये थी हमारे काला हीरा यानी बाबा कार्तिक उरांव की कहानी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जोहार। अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें।